अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप एहसानुल खालिकीन के करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूं इकरा फिरदौस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्कॉलर्स वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम 9th के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को मैंने अपनी वीडियो के पार्ट 1 में सॉल्व कर लिया था। अगर आप उनका सोल्यूशन चाहते हैं तो आप स्कॉलर्स वर्ल्ड की एक्सरसाइज 1.5 का पार्ट 1 देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो अगर आप अपनी बुक पे देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में आपको दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ए और बी। नीचे आपको दो पार्ट्स दिए हैं उसके और आपने उनको वेरीफाई करना है। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखा करें। 10-20 मिनट की वीडियो में अगर आपको 4 सवाल समझ आ जाए अच्छी तरह तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। हम स्टार्ट लेते हैं, अपना एक मैट्रिक्स लिख देते हैं यहाँ पे। मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है 1, 2, 4 एंड 6, 1, 2, 4, 6। और नीचे जो आपको पहली कंडीशन दी हुई है आपने वेरीफाई करना है, ए इंटू एडजाइंट ए इज इक्वल्स टू adjoint of A into A which is equals to determinant of A into identity matrix। ये 3 कंडीशन है जो आपने वेरीफाई करनी है 1 by 1। तो हम पहले 3 पार्ट बना लेते हैं ताकि हम इन 3 सेक्शंस को आखिर में चेक कर सके कि हमारा आंसर ठीक भी आया या नहीं। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले आप ए का मैट्रिक्स पुट करेंगे और देन आप एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स पुट करेंगे। तो उसके लिए हम पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। ए का मैट्रिक्स आपके पास है, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा 6 और 1। हमें पता है हम 1 और 6 की हमने प्लेस चेंज कर देनी है, इनकी जगह को एक्सचेंज कर देना है और बाकी जो 2 एंट्रीज है उनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 1.4 की हुई है तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए लेना लाजमी आता होगा। तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए ले लिया। अब हम पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं। यहाँ पे पहले हम ए का मैट्रिक्स लिखेंगे 1, 4, 2, 6। देन हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए 6, -4, -2 एंड 1। अब ये जो 2 मैट्रिक्स हमारे पास आए हैं हमने इनको करना मल्टीप्लाई क्योंकि इनके दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशनशिप है। तो वही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू माइनस 4, बिल्कुल इस तरह 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 6 प्लस 6 इंटू माइनस 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू माइनस 2 प्लस 6 इंटू 1। आपके पास आंसर आएगा 6 1 और 6, 4 2 8 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 2 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 2 1 2, 6 4 24, 6 4 24 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 8 प्लस 6 1 6, 6 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0, -8 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपने पहली कंडीशन को सॉल्व कर लिया। आगे हमारी सेकंड कंडीशन है जिसमें एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपने पहले पुट करनी है, देन आपने ए का मैट्रिक्स पुट करना है। इन दोनों कंडीशंस में डिफरेंस ये है कि पहले आपने ए पुट करना था फर्स्ट वाली कंडीशन में, देन एडजॉइंट ऑफ ए। सेकंड वाली में आपने पहले एडजॉइंट ऑफ ए को पुट करना है और फिर ए का मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे है 6 -4 -2 1। आगे ए का मैट्रिक्स जो कि है हमारे पास 1, 2, 4 एंड 6। अब हमने इन 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 इंटू 1 प्लस -2 into 4. First row, second column, 6 into 2 plus -2 into 6. बिल्कुल इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 4. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 इंटू 6. अब आप इन इंट्रीज को सॉल्व कर लेंगे. 6 1 का 6, 4 2 का 8, 6 2 का 12, -6 2 का 12. प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, -4 प्लस 4, 4 2 का 8, -8 प्लस 6, 6 minus 8 is equals to -2, 4 minus 4 is equals to 0, 12 minus 12 is equals to 0, -8 plus 6 is equals to 0. तो ये आपने सेकंड कंडीशन भी सॉल्व कर लिया. आगे हमारे पास तो थर्ड कंडीशन है इसकी, इस क्वेश्चन की. वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो हमें अब यहाँ पे दो चीजें रिक्वायर्ड हैं. एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आपने एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेना है. ए मैट्रिक्स है हमारा 1 4 2 6. अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइज को सॉल्व किया हुआ है तो आपको डिटर्मिनेंट लेना आता होगा. अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ, डिटर्मिनेंट में आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है सारी इंट्रीज को, यानी 1 इंटू 6. और दरम्यान में आपने नहीं भूलना कभी भी पेपर में, ये आपको आपके माइंड से निकल भी सकता है, डिटर्मिनेंट में आपने हमेशा माइनस का रिलेशनशिप लगाना होता है, प्लस का नहीं. 4 इंटू 2 आ जाएगा, 6 1 का 6, -4 2 का 8 विच इज इक्वल्स टू -2. यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू -2. सेकेंड जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस तरह का होता है, 1 0 0 1. अब हमने अपनी कंडीशन में इसकी पुटिंग कर देनी है. तो हमारी कंडीशन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आपके पास ए का जो डिटर्मिनेंट आया वो है -2 और आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो है 1 0 0 एंड 1. आपने -2 के इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देना, -2 इंटू 1, -2 इंटू 0, -2 इंटू 0, -2 इंटू 1. आपके पास आंसर आ जाएगा 2 1 का 2, -2 0 0 -2. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें आपको 3 कंडीशंस दी हुई थी और आपने उनको वेरीफाई कर लिया. आप इस चीज को आप किसी भी मैट्रिक्स पे अप्लाई कर सकते हो. लाइक अगर आपके पास कोई बी मैट्रिक्स है या सी मैट्रिक्स है, तो आप उसके ए को या एडजॉइंट ऑफ ए को पहले रखो या बाद में रखो, मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम आएगा. या फिर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो भी उसका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के इक्वल ही आंसर आएगा. ठीक है, यानी हमने फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया. अगर आप इन तीनों आंसर्स को कंपेयर करें तो आपका आंसर सेम है, -2 0 0 और -2. आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, हम उसको सॉल्व कर लेते हैं. सो व्यूअर्स, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट लिख लिया. इसमें मैंने जस्ट आपकी स्टेटमेंट में से बी का मैट्रिक्स लिखा है, क्योंकि हमें सेकंड पार्ट में जो है वो बी का मैट्रिक्स ही रिक्वायर्ड था. एक के मैट्रिक्स की आपने जो भी सोल्यूशन करना था वो आप इस फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं. ठीक है, तो अब आपका जो क्वेश्चन है मेन जो आपने सॉल्व करना है वो है B into B inverse इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज देन इक्वल टू B inverse into B. कह रहा है कि अगर आप B को B इनवर्स से मल्टीप्लाई करो या B इनवर्स को B से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है. तो आपको मैंने अभी भी बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमारा होता है वो होता है इक्वल 1 0 0 1 के. तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारा B into B inverse जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है या नहीं आता. तो इसलिए हमें इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए B inverse की वैल्यू रिक्वायर्ड है. तो हम पहले B inverse को फाइंड कर लेते हैं. पहले मैं आपको B inverse का फॉर्मूला बता दूं ताकि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व करते जाएं. एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B. इसमें आपने दो चीजें फाइंड करनी है, एक एडजॉइंट ऑफ B. एडजॉइंट ऑफ B इज इक्वल्स टू 3 और -2 की आपने जगह एक्सचेंज कर देनी होती है और 1 और 2 का आपने साइन चेंज कर देना है एंड दैट्स इट. देन डिटर्मिनेंट ऑफ B 3 -1 टू माइनस टू, आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो आपके पास आएगा 3 इंटू माइनस 2। दरम्यान में आपने माइनस का रिलेशन लगाना होता है डिटर्मिनेंट में, 2 इंटू माइनस 1, 3 2s are 6 प्लस 2 1s are 2, -6 + 2 = -4। अब आपने अपने बी इनवर्स के लिए दोनों जो हमारी रिक्वायर्ड चीजें थी वो हमने फाइंड कर ली है, एक एडजॉइंट ऑफ बी है और एक डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब हम इसके फार्मूला में पुटिंग कर लेते हैं, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आया वो आया 1/4, -4 आया, लेकिन वो चूंकि हमारे इस फार्मूला में डिवाइड हो रहा है तो इसलिए हम उसको लिखते हैं -1/4। और एडजॉइंट ऑफ जो बी है हमारा वो है 3 - 1 2 and -2, तो हमारा b इनवर्स इक्वल आएगा b इनवर्स = 3 multiplied by, आपने इसकी एडजॉइंट ऑफ b के साथ मल्टीप्लाई करना है, ना कि सिर्फ b के साथ। तो एडजॉइंट ऑफ b में हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो है -2 मल्टीप्लाई होगा -1/4 से। सेकेंड एंट्री भी हमारी -2 है, वो भी मल्टीप्लाई करना आपने -1/4 से। बिल्कुल इसी तरह आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है -1/4 से, और 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/4 से। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनकी इंट्रीज को सॉल्व कर लेना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, यानी 1/2 -1/4। 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर सेम आएगा -1/4। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 2s are 4, 1/2, 3 1s are 3, -3/4। तो ये आपका बी इनवर्स है। अब हमने बी इनवर्स फाइंड कर लिया, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन जिसको हमने वेरीफाई करना है वो है बी इंटू बी इनवर्स, यानी आपने पहले बी का मैट्रिक्स पुट करना है, 3 2 -1 -2, देन आपने बी इनवर्स का मैट्रिक्स पुट करना है जो कि है 1/2 -1/4, 1/2 -3/4। बिल्कुल उसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2। नेक्स्ट स्टेप में भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय -1/4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3/4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और यहाँ पे आएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय -1/4 -2 मल्टीप्लाई बाय -3/4। ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से करें तो आप बहुत आसान है ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इन इंट्रीज को सॉल्व कर लेना, आपके पास आएगा 3 1s are 3, यानी 3/2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/2। इस साइड पे आपके पास आ जाएगा -3/4, माइनस इंटू माइनस प्लस 3/4। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 रह जाएगा पीछे, एंड 2 1, ये 2 इस 2 से डिवाइड हो गए, खत्म, 2 इस 2 से डिवाइड हो, 2 1s are 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने 2 1s are 2, 2 2s are 4 -1/2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपका जो आएगा 3 - 1/2, 0 0, -1 प्लस 3/2। 3 minus 1 is equals to 2, 0, 0, 2. नेक्स्ट स्टेप में जब 2 बाई 2 2 2 से कैंसिल होके 1 बना देगा, 0 एज इट इज, और ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल होके 1 बना देगा। तो हमने फर्स्ट कंडीशन को वेरीफाई कर लिया, b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो है आपने b इनवर्स को पहले लिखना है, देन आपने b पुट करना है, और उसके बाद आपका जो आंसर आएगा आपने देखना है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आया या नहीं आया। तो हम ये पुट करके चेक कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने सेकंड कंडीशन लिख ली है और b इनवर्स की वैल्यू भी लिख ली है। अब हम वेरीफाई करना हमने कि अगर हम b इनवर्स की वैल्यू को पहले पुट करें और देन हम b की मैट्रिक्स को पुट करें तो हमारा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो हम ये पुटिंग करके चेक कर लेते हैं। ये b इनवर्स की वैल्यू और सेकंड मैट्रिक्स में हमने b की वैल्यू को पुट करना है जो कि है 3 2 -1 -2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस इंटू माइनस माइनस मैंने पहले लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस 1/4 इंटू माइनस 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2। सॉरी, यहाँ पे 3 लगाना आपने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1/2 माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 1s are 2 2 2s are 4, 1/2। थ्री बाय 2 माइनस 2 1s are 2 2 2s are 4, 1/2। 3/2 माइनस 3/2, 2 और 4 आपस में कैंसिल होंगे, 2 1s are 2 2 2s are 4। माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2। माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस 3/2। नेक्स्ट स्टेप में आपने इनका एलसीएम ले लेना है। 3 माइनस 1/2, यहाँ पे 3/2 माइनस 3/2 पहले ही आपने 0 लिख देना, माइनस 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 प्लस 3/2। 3 माइनस 1 2/2, 0 0 माइनस 1 प्लस 3 2/2। 2 2 से कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 0 0 और 2/2 1। आपने प्रूफ कर लिया b इनवर्स से मल्टीप्लाई हो तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, या फिर b इनवर्स इंटू b आप करें तब भी आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट था। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हम उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, आगे हमारा एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इससे पिछले क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ होता था, ए हो गया बी या सी, आपने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होता था फार्मूला लगा के, लाइक एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। लेकिन अब आपने बताना है कि आपको दो मैट्रिसेस दिए हुए और आपने डिसाइड करना है कि वो एक दूसरे के इनवर्स हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है, ठीक है। वैसे रियल नंबर्स के लिए मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है एक नंबर है लाइक 1/2 है, तो आप इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि आपके पास आंसर आइडेंटिटी आ जाए या फिर 1 आ जाए। लाइक आप 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर 1 आता है। तो ये 2 और 1/2 एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल है 3 है तो आप इसको किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 1 आ जाए, तो 1/3 से डेफिनेटली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा। ठीक है, लेकिन मैट्रिसेस के सीन में क्या होता है, आपको दो मैट्रिसेस दिए हुए होते हैं और आपने बताना तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा कि दो मैट्रिसेस एक दूसरे के, आपको दो मैट्रिसेस दिए हुए और आपने बताना कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, अगर तो उन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी जनरेट हो जाती है तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। लेकिन अगर उन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आइडेंटिटी जनरेट नहीं होती, 1 0 0 1 वाला मैट्रिक्स नहीं बनता, तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हम इसे सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमने उनको बताना है कि वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। लाइक 3 5 4 एंड 7 और दूसरा मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 7 -5 -4 एंड 3। आपने इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। ठीक है, 5 7 सेकेंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 -4 -5 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 7 + 5 × -4। आपने पिछली एक्सरसाइजेस अगर सॉल्व की हुई है तो आपको मल्टीप्लाई करना तो आना चाहिए। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 × -5 + 5 × 3। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 7 + 7 × -4। सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 × -5 + 7 × 3। अब हम इन एंट्रीज को सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट होता है या नहीं होता, हम ये डिसाइड कर सकें। 7 3 = 21 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 5 4 = 20, 5 3 = 15 प्लस 5 3 = 15 प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा स्टार्ट में, 4 7 = 28 प्लस इंटू माइनस माइनस 7 4 = 28, 5 4 = 20 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 7 3 = 21, 21 - 20 आपके पास आएगा 1, 15 - 15 0, 28 - 28 0, -20 + 21 = 1। इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, आपके पास आइडेंटिटी जनरेट हो गया। इट मीन्स आपको जो दो मैट्रिसेस दिए हुए थे आप यहाँ पे लिख देंगे, यस दीज मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। स्टेटमेंट में वहां में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा हुआ, इट डजंट मीन कि हमने ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है या बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। आपने डिसाइड करना है कि ये दो मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं पेपर में जस्ट स्टेटमेंट का कोई एक वर्ड पढ़ लेते हैं और उसके मुताबिक सोल्यूशन शुरू कर देते हैं। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ा करें। हमने दो मैट्रिसेस दिए हुए थे और हमने डिसाइड करना था कि वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। हमने उन्हें मल्टीप्लाई करके चेक करना है। अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट करते हैं इट मीन्स वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, अदरवाइज वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट था। इसके अलावा जो हमारा सेकंड पार्ट है हम उसे भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि आया वो दो मैट्रिसेस जो आगे हमें सेकंड पार्ट में दिए हैं वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है। इसमें भी हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। एक मैट्रिक्स है 1 2 2 3 और दूसरा मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है -3 2 2 -1। आप इन्हें मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम +2 × 2 first row, second column. 1 multiplied by 2 plus 2 multiplied by minus 1. Second row, first column. Second row, second column. अब आपने इंक्रीज को सॉल्व कर लेना. 3 1 3 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 2 2 4 2 1 2 माइनस 2 1 2 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है. आप जब दो कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं. जैसे 3 2 6 हो जाएगा. 2 के साथ प्लस का साइन है और 3 के साथ माइनस का साइन है. प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा. प्लस 3 2 6 2 2 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 3 4 - 3 is equals to 1, 2 - 2 0, 0 and 1. So these two matrices are multiplicative inverse of each other. तो हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स में हमने डिसाइड करना था कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे का या नहीं है. तो ये दोनों क्वेश्चंस में हमारा आंसर यस है क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट हुआ है. तो जहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट हो जाए इट मीन्स वो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था. आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. सो व्यूवर्स ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है. एक हमारी लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड है. हमने इसको वेरीफाई करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखें तो वहां भी हमने ए बी का होल इनवर्स फाइंड करना है. ए इंटू बी होल इनवर्स. इसका मतलब है हमने पहले ए और बी दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और हमारा जो एंड में आंसर आएगा उसका हमने इनवर्स लेना है. एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए बी. तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं. -2 - 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 × -4 प्लस 0 × 1 4 × -2 प्लस 0 × -1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस 2 × 1 माइनस 1 × -2 प्लस 2 × -1. फोर 4 × 16 प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा. प्लस 0 1 0 4 2 8 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 0 किसी भी इंट्री के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 0 ही आता है. 4 1 4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. 2 1 2 2 1 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 2 प्लस इंटू माइनस माइनस -16 4 + 2 इज इक्वल टू 6 -8 2 - 2 इज इक्वल टू 0. ये ए बी अभी हमने मल्टीप्लाई किया. अब हम इसका इन्वर्स लेंगे. तो पहले हम ए बी का डिटर्मिनेंट लेके चेक कर लेते हैं. अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो हम फिर इसका इन्वर्स नहीं ले सकते, वो पॉसिबल नहीं होता. -8 और 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. -16 × 0 माइनस आता दरम्यान में 6 × -8 16 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आएगा. -(-) प्लस हो जाएगा. 8 × 6 = 48 0 + 48 = 48. अब हम एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमारे फार्मूला की रिक्वायरमेंट्स ही दो हैं, एक एडजॉइंट है और एक डिटर्मिनेंट है. तो ए बी हमारे पास था -16 0 0 और -16 की आपने जगह एक्सचेंज कर देनी है और 8 और 6 का आपने साइन चेंज कर देना है. 8 के साथ माइनस था आपने प्लस लगा देना है, 6 के साथ प्लस था आपने माइनस लगा देना. ठीक है, अब आप ए बी का होल इनवर्स फाइंड कर सकते हैं जिसका फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड बी. तो आपके पास आ जाएगा 1/48 × 0 8 -6 and -16. नेक्स्ट स्टेप में आप 1/48 को इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर लें. 1/48, इसी तरह 8 1/48 -6 मल्टीप्लाई बाय 1/48 -16 मल्टीप्लाई बाय 1/48. जीरो आपको पता है किसी भी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो तो आंसर जीरो ही आता है. 8 1 8, 8 6 48, 1/6, 6 1 6, 8 -1/8, 16 1s and 16 3s 48, -1/3. तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था. अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें डिफरेंस ये है कि आपने पहले बी का इन्वर्स फाइंड करना है, देन आपने ए का इन्वर्स फाइंड करना है और फिर आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे आपने होल का इन्वर्स फाइंड करना था मल्टीप्लाई करने के बाद. नेक्स्ट स्टेप में आपने राइट हैंड साइड पे जो करना है वो बी का इन्वर्स आप सेपरेट फाइंड करेंगे और ए का इन्वर्स आप सेपरेट फाइंड करेंगे. तो ये हमने अपने क्वेश्चन की राइट हैंड साइड लिख दी है, जिसमें हमने बी का और ए का इन्वर्स सेपरेट फाइंड करना है. तो हम पहले बी का इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं. ऊपर मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया ताकि हमारा जो आखिर में आंसर आया हम उसको कंपेयर कर सके कि आया हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं आती. ठीक है, तो बी इन्वर्स का फॉर्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी. पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें. -4 1 -2 -1, -4 × -1, दरम्यान में माइनस का साइन आता है, 1 × -2, 4 1s 4, -into- प्लस हो जाएगा, -into- प्लस, 2 1s 2, 4 + 2 = 6. अब आपने एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास आएगा -4 और -1 की आपने जगह चेंज कर देनी है, यानी -1 -4 को रिप्लेस कर लेगा और -4 -1 को. इसी तरह -2 का +2 कर देंगे और +1 को आपने -1 बना देना है. तो ये हमने एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया और डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया. नेक्स्ट स्टेप में हमने डिटर्मिनेंट को एडजॉइंट से डिवाइड कर देना, -1 2 एंड -4. ये हमने अपने फॉर्मूला में पुटिंग कर लिया. अब 1/6 इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा. 1/6, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/6, -1 मल्टीप्लाई बाय 1/6, -4 मल्टीप्लाई बाय 1/6. तो +× -, -1/6, 2 1s 2, 2 3s 6, 1/3, -1/6, 2 2s 4, 2 3s 6, -2/3. तो ये हमने B का इन्वर्स फाइंड कर लिया. आगे हमारे पास मैट्रिक्स A है, हम उसका इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं. तो A इन्वर्स हम पहले A का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं. 4 0, क्योंकि हमें इन्वर्स के लिए दो ही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक एडजॉइंट मैट्रिक्स का और दूसरा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट. 4 × 2 -1 × 0, 4 2s 8 +0 = 8. नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेना, एडजॉइंट ऑफ ए. फोर और 2 को आपने जगह एक्सचेंज कर देनी है और 0 और 1 का साइन. नेक्स्ट स्टेप में आप इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2 1 0 4. 1/8 इसकी हर एंट्री के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना. 0 × 1/8, 1 × 1/8, 4 × 1/8. आपके पास आंसर आएगा 1/4, 2 4s 8. 0 किसी भी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो, आपको पता है आंसर 0 ही आता है. 4 2s 8, यानी 1/2, 4 1s 4, 4 2s 8. नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसमें अब आपने एक बात का ध्यान रखना है, ए इनवर्स को आपने पहले पुट नहीं कर देना, पहले आपने बी इनवर्स का मैट्रिक्स ही पुट करना है जो कि है 1/6 1/3 माइनस 1/6 एंड माइनस 2/3। देन आपने ए इनवर्स का मैट्रिक्स पुट करना है जो कि है 1/4 0 1/8 और 1/2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है माइनस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/8। इसी तरह आगे आपके पास आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 1/6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/4 प्लस इंटू माइनस माइनस लिखते हैं आप पहले 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/8। इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1/6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस इंटू माइनस माइनस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब आप इन एंट्रीज को सॉल्व कर लें, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा 6 4s are 1 6 4s are 24 प्लस का साइन आएगा 1/8 3s are 24। इस तरह 1/6 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा एंड 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 1/3 2s are 6 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने माइनस 1/6 4s are 24 माइनस 2 1s are 2 2 4s are 8 1/12। इसी तरह माइनस 1/6 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और 1/3 माइनस 1/3। अब माइनस 1/24 इंटू प्लस 1/24 क्या आएगा आंसर 0 0 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/6 माइनस 1/24 माइनस 12। अब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो आपका आंसर जो है 24 आएगा यानी 24 माइनस ऊपर आ जाएगा 1 12 2s are 24 2 1s are 2 माइनस 2 और यहाँ पे 1/3 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में आपने बस एक एंट्री को सॉल्व कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा 1/6 माइनस 3/24 माइनस 3/24 आएगा तो अगर आप यहाँ पे सेपरेट लिखें माइनस 3/24 3 1s are 3 3 8s are 24 माइनस 1/8 और माइनस 1/3 एज इट इज। अगर आप ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स का। अगर आप इस आंसर को लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के साथ कंपेयर करें, ये मैंने ऊपर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लिख लिया था ताकि हम लास्ट में इसको कंपेयर कर सकें, तो ये बिल्कुल एंट्रीज सेम है एज इट इज है जैसे लेफ्ट हैंड साइड के हैं 0 1/6 माइनस 1/8 और माइनस 1/3। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको इनवर्स लेना भी आता है और आपको मल्टीप्लाई करना भी आता है, जस्ट आपने थोड़ी सी स्ट्रेटजी को समझना है। अगर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिखा हुआ है तो आपने पहले बी का इनवर्स फाइंड करना है, देन आपने ए का इनवर्स फाइंड करना है और आखिर में पुटिंग में आपने गलती नहीं करनी। बाज़ औकात स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, इनवर्स का मैट्रिक्स जो है वो पहले पुट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, हमने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, बी इनवर्स का मैट्रिक्स अगर पहले दिया हुआ है तो हमने पहले बी इनवर्स का मैट्रिक्स ही पुट करना होता है। ठीक है, अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 भी है, तो हम उसे सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि आया हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आती है या नहीं आती। सो व्यूअर्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है जिसमें हमें डी ए का होल इनवर्स फाइंड करना है और राइट साइड पे हमने ए इनवर्स डी इनवर्स सेपरेट फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हमने डी ए का होल इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें डी ए फाइंड करना होगा यानी कि डी और ए को मल्टीप्लाई करना है। वैसे इस स्टेटमेंट में हमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए थे लेकिन मैंने यहाँ पे 2 ही लिखे हैं क्योंकि हमें यहाँ इस क्वेश्चन में 2 ही मैट्रिसेस जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम पहले डी ए फाइंड कर लेते हैं। पहले आप डी का मैट्रिक्स लिखेंगे अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। आपने पहले ए का मैट्रिक्स नहीं लिखना क्योंकि हमारी कंडीशन में पहले डी ही मेंशन्ड है, ठीक है। तो हम पुटिंग करेंगे पहले डी का मैट्रिक्स, देन हम ए का मैट्रिक्स लिखेंगे। अब हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 3 × 4 + 1 × -1, ठीक है। इसी तरह 3 × 0 + 1 × 2 -2 × 4 + 2 × -1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 × 0 + 2 × 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे 4 × 3 = 12। इन एंट्रीज को सॉल्व कर लेते हैं, 1 × 1 = 1। इसी तरह 3 × 0 = 0, 2 × 1 = 2, 4 × 2 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 0 = 0 प्लस 2 × 2 = 4। 12 - 1 = 11, -8 - 2 - 10, 0 + 2 0 + 4। तो ये हमने डी ए फाइंड कर लिया, ठीक है। लेकिन हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड की रिक्वायरमेंट है वो डी ए का होल इनवर्स है। तो आपको पता है डी ए का होल इनवर्स बराबर है एडजॉइंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए। पहले हम डी ए का डिटर्मिनेंट लेके चेक कर लेते हैं कि आया ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर डिवाइड में 0 आ जाए तो आप उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते। 11 × 4 डिटर्मिनेंट में आपने नहीं भूलना कि दरम्यान में आपने माइनस का साइन लगाना है, गलती से भी आपने यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगाना। 4 × 1 = 4, 11 × 44, -× - प्लस हो जाएगा, 10 × 2 = 20, 40 + 20 = 60, 64 आ जाएगा आपके पास। तो ये आपका डिटर्मिनेंट आया। अभी आपने एडजॉइंट ए फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ डी ए। तो डी ए का मैट्रिक्स आपके पास यहाँ मौजूद है, आप इसका एडजॉइंट यहाँ से फाइंड कर लेंगे। 4 और 11 की आपने जगह चेंज कर देनी है, 2 और 10 का आपने साइन चेंज कर देना है, +2 से -2, -10 से +10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब आप इसको इनवर्स वाले फॉर्मूला में पुट करें, एडजॉइंट ऑफ डी ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए, यानी 1/64 × 4 = 10 - 2 = 11, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप 1/64 को इसकी सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 1/64 - 2 × 1/64, इसी तरह 10 × 1/64 64, 11 × 1/64, 4 × 1 = 4, 1/16 आ जाएगा। इसी तरह 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 5/32, यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, -1/32, इसी तरह 11/64, 11/64। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, जिसमें आपने पहले डी ए फाइंड किया, डी और ए के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसके बाद आपने इनवर्स किया। अब आपकी राइट हैंड साइड है, तो ये हमारे क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मैंने ऊपर मेंशन कर लिया ताकि हम आखिर में इन दोनों आंसर्स को कंपेयर करके डिसाइड कर सकें कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ भी रही है या नहीं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में आपने पहले ए का इनवर्स फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे पहले ए का इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, जिसके लिए हमें रिक्वायर्ड है एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो आप ए का डिटर्मिनेंट ले लें पहले, जिसमें आप 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में आपने माइनस का साइन लगाना है, -1 × 0, ये मैंने डायरेक्ट कर लिया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। 4 × 2 = 8, -× - प्लस हो जाएगा, 0, 8 + 0 = 0। नीचे आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, जिसके लिए आपको 2 और 4 की जगह चेंज करनी है और 0 और 1 का साइन, ठीक है। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर लेना है, 1/8 × 2104, 1/8 इनकी सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/8, 0 × 1/8, वन इंटू वन बाई एट, इसी तरह फोर इंटू वन बाई एट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 2 4 8 होता है 1/4 0 1/8 4 2 8 1/2। ठीक है, तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। आगे हमने सेकंड रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो है डी इनवर्स। ठीक है, तो हम डी इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। डी इनवर्स के लिए हमें पहले डिटर्मिनेंट ऑफ डी लेना पड़ेगा, 3 - 2 1 एंड 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको आप, 3 2 6 -2 इंटू 1। ठीक है, 6 + 2 = 8। इसी तरह आप एडजॉइंट ले लें डी का, तो एडजॉइंट ऑफ डी में आपने 3 और 2 की जगह चेंज कर देनी है, एक्सचेंज कर देनी है, और 2 और 1 का साइन, -2 से आप इसको +2 कर देंगे और 1 से इसको -1 कर देंगे। ठीक है, अब आप डिवाइड कर लें 8 को एडजॉइंट ऑफ डी पे, यानी 2 2 -1 3 2 × 1/8 -1 × 1/8 2 × 1/8। इसी तरह आ जाएगा 3 × 1/8 2 4 8 होता है 1/4। इसी तरह -1/8 यहाँ पे आ जाएगा 1/4 और 3/8 3 1 3। तो ये हमारे पास ए इनवर्स भी आ गया और डी इनवर्स भी आ गया। नेक्स्ट जो हमने स्टेप करना है वो ए इनवर्स और डी इनवर्स को, हमारी जो फाइनल रिक्वायरमेंट है वो ए इनवर्स और डी इनवर्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम ए इनवर्स का मैट्रिक्स पुट करेंगे, देन हम डी इनवर्स का मैट्रिक्स पुट करेंगे और फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स है, पहले आप ए इनवर्स का मैट्रिक्स पुट करें, 1/4 0 1/8 1/2। ठीक है, आगे आपने डी इनवर्स का, जिस तरह आपकी कंडीशन होती है उस लिहाज से आपने मैट्रिक्स पुट करने होते हैं। अगर पहले ए का मैट्रिक्स है तो आप पहले ए का मैट्रिक्स ही पुट करेंगे। ठीक है, -1/8 इसी तरह 1/4 एंड 3/8। ये हमारे पास ए इनवर्स का मैट्रिक्स था और ये हमारे पास डी इनवर्स का मैट्रिक्स था। तो हमने दोनों के मैट्रिक्स पुट कर लिए, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 1/4 × 1/4 प्लस 0 × 1/4। ठीक है, नेक्स्ट में आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आप करेंगे, यानी 1/4 × -1/8। ठीक है, प्लस 0 × 3/8। सही हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करना है। ठीक है, यानी 1/8 × 1/4 प्लस 1/2 × 1/4। आप यहाँ से चेक करते हैं कि आप ये जो जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ये आपकी डाउनवर्ड सेम जा रही होती है। जैसे यहाँ पे इस लाइन में आप 1/4 ही नीचे जा रहा है और यहाँ पे भी 1/4। यहाँ से आपको पता चलता है कि आपकी मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लीकेशन आया वो ठीक जा रही है या नहीं। अगर इसमें थोड़ा डिफरेंस आपको नजर आए तो आप एक दफ़ा अपने मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन को चेक कर लें। ठीक है, इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1/8 × -1/8, इसको बहुत ध्यान से आपने करना है, 1/2 × 3/8। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम इंट्रीज को सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 1 4 4 16। ठीक है, प्लस 0 इंटू 1/4, इसका मतलब है 0, जिस भी इंट्री के साथ मल्टीप्लाई होता है आपने डायरेक्ट वहां पे 0 लगा देना है। ठीक है, इस तरह -1/32 4 8 32 होता है और 0 इंटू 3/8 0। ठीक है, 1/32 प्लस 4 2 8 हो जाएगा 1 1 1 और 4 2 8। इसी तरह -1 8 8 64 प्लस 3 1 3 8 2 16 आ जाएगा। 1/16 तो 0 में ऐड होके 1/16 ही बन जाएगा। ठीक है, -1/32 0 में ऐड होगा तो -1/32 आ जाएगा। लेकिन अब ये जो नीचे वाले दो केस हैं हमने इनमें क्या करना है, इनकी फ्रिक्शन को सॉल्व करना है, इनको इनका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो इसके एलसीएम में नीचे तो 32 आ जाएगा, ऊपर हमारे पास आएगा 1 32 1 32 8 4 32 तो ऊपर आपने 4 मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे 1 के साथ, ऊपर वाली एंट्री के साथ, तो 4 1 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे नीचे हमारे पास आएगा एलसीएम में 64, तो -1 तो एज इट इज आएगा, और 16 4 64 होता है। तो आप अगर 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 ऊपर वाली एंट्री के साथ 3 के साथ, यानी 4 3 12 हो जाएगा प्लस 12। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आएगा 1/16 एज इट इज, -1/32 एज इट इज आ जाएगा, 4 + 1 = 5 यानी 5/32। इसी तरह 12 - 1 = 11/64। तो ये हमारी राइट हैंड साइड का आंसर है। यहाँ पे मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लिख दिया था ताकि हम इन दोनों आंसर्स को कंपेयर करके देख सकें कि आया हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, अब हम इनकी अगर फर्स्ट एंट्री को कंपेयर करें तो यहाँ भी 1/16 और यहाँ भी क्या है 1/16। सेकेंड में यहाँ पे -1/32 और यहाँ पे भी -1/32, यहाँ पे 5/32 है, यहाँ पे भी 5/32, और लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट एंट्री 11/64 और इधर भी 11/64 ही है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.5 का सलूशन था। इस वीडियो में मैंने लास्ट 3 क्वेश्चन किए हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चन इस वीडियो के पार्ट 1 में सॉल्व हुए हुए हैं। अगर आप उनका सलूशन चाहते हैं तो आप स्कॉलर वर्ल्ड की एक्सरसाइज 1.5 का पार्ट 1 भी देख सकते हैं। ठीक है, जो वीडियो आप देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, चाहे वो किसी भी चैनल की देख रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन के लिए देख रहे हैं, तो उस वीडियो को पूरा देख लिया करें, ताकि कुछ टिप्स ऐसी होती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान जो आपको पहले से नहीं पता होती। एक्सपीरियंस लोग आपको ये चीज़ें बता देते हैं। तो अगर आप 1.6 या फर्दर एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन चाहते हैं तो स्कॉलर्स वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रहें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।